पवित्र महीना गुरुवार से शुरू हो गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेने के लिए आते हैं, जिसे देखते हुए डीएम उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह और एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एक पखवाड़े तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के तहत कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए हरिद्वार से गंगा जल ले जाते हैं और अपने अपने इलाके के शिवालयों में त्रयोदशी के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। वहीं कोरोना महामारी की वजह से इस बार 2 साल बाद कांवड़ यात्रा हो रही है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा है कि कांवड़िए हरिद्वार आने से पहले पोर्टल पर पंजीयन करवाएं, हालांकि पंजीकरण ये अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सुरक्षा में ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों से कांवड़ियों के साथ विनम्र और संयमित व्यवहार करने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग में मांस एवं मदिरा की दुकानों पर भी रोक है। ब्यूरो रिपोर्ट, पूरा 24 न्यूज़। गरीब महोदय के साथ यहाँ पर कांवड़ियों के लिए जो हमने आधारभूत व्यवस्थाएँ की हैं, जिलाधिकारी महोदय ने समीक्षा की। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि भी हमने पूरे क्षेत्र को सेक्टर में बांट रखा है। जहाँ भी डाइवर्जेंस है वहाँ 3 किलोमीटर पहले इंडिकेशन लगा रखे हैं। पूरे रास्ते में हम ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा से निगरानी कर रहे हैं। चारों तरफ हमारी व्यवस्थाएँ समुचित रूप से लगातार 24 घंटे में सतर्क हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कांवड़ यात्रा सकुशल सम्पन्न होगी, उल्लासपूर्वक, उत्साहपूर्वक, आस्थापूर्वक। अव्यवस्था, कांवड़ की व्यवस्था को देखा आपने, क्या पाया? हम और कप्तान साहब दो लोग साथ से पूछ लेते हैं कि देखा जाए कि रास्ते में कांवड़ियों के लिए जो सारी व्यवस्थाएँ हैं कि नहीं हैं, तो सारी व्यवस्थाएँ सही पाई गई, कांवड़िए भी प्रसन्न हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी असुविधा न हो और पूरा बिजनौर क्षेत्र में उनको सारी सुविधाएँ मिल सकें और वो अपनी यात्रा सक्षम पहुँच सकते हैं।